तो नमस्कार दोस्तों, राजा बाबू नई शरा यूट्यूब चैनल के संडे स्पेशल वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। बहुत लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं और करने वाले हैं आज एक बहुत ही शानदार कैसेट प्लेयर की अनबॉक्सिंग। कंपनी का नाम है आहूजा और कैसेट प्लेयर के मॉडल का नाम है आहूजा का CTR 100। जी हाँ दोस्तों, इस कैसेट प्लेयर में आप कैसेट प्ले तो कर ही सकते हैं, साथ में कैसेट रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। कैसेट रिकॉर्डिंग के लिए आपको अलग से एक प्री लगाना पड़ेगा, वो भी आज की वीडियो में जानकारी मैं दूंगा, तो वीडियो एंड तक देखना। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, और इस कैसेट प्लेयर को यदि आप परचेस करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर इसको बड़े आसानी से खरीद सकते हैं। दोस्तों रही बात इसकी प्राइस की, तो ये 5,000 रुपये का कैसेट प्लेयर है। सिर्फ एक ही पीस मेरे पास आया हुआ है जो कि ब्रांड न्यू है, सील पैक है। तो आज की वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका रिव्यू आपको दिखाएंगे, इसकी आवाज़ भी सुनाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए चलते हैं और देख लेते हैं आहूजा के कैसेट प्लेयर की अनबॉक्सिंग एवं रिव्यू। तो चलिए दोस्तों, अब हम अनबॉक्सिंग करते हैं आहूजा के CTR 100 की। जी हाँ दोस्तों, ये इसका बॉक्स है, ये इसका बॉक्स ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल बॉक्स था वो फट गया था, लेकिन ये दूसरे बॉक्स में आया है, आप देख सकते हैं। लेकिन पीस है ना, बिल्कुल न्यू है, ब्रांड न्यू है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्रांड न्यू, बिल्कुल सील पैक आपके सामने इसकी मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो ये है दोस्तों आहूजा का CTR 100। चलिए इसको बाहर निकालते हैं, और बाहर निकाल कर हम इसको एक बॉक्स पर ही रख देते हैं, और इसके बाद इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलिए अब हम इस पॉलीथीन से इसको बाहर निकालते हैं, और इसका इंटरफेस कैसा है वो भी आपको दिखा देते हैं। बिल्कुल ब्रांड न्यू पैक है, सील पैक माल है, देख सकते हैं आप। और ये रहा दोस्तों आपके सामने बिल्कुल नया, जी हाँ दोस्तों, नया आहूजा का CTR 100। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर डला हुआ है एक FLD मैकेनिज्म, सारे सिस्टम यहाँ दिए हुए हैं। ये माइक का ऑप्शन मिल जाता है, लेफ्ट राइट आपको लेवल मिल जाते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, नॉइस फिल्टर मिल जाता है, यहाँ पर मोनो और स्टूडियो का आपको एक मोड भी मिल जाता है, और यहाँ पर एक स्पीकर का सिस्टम भी मिल जाता है, इसमें पीछे एक छोटा स्पीकर भी दिया हुआ है। यहाँ पर आपको लेवल मिल जाते हैं, ऑन ऑफ का सिस्टम मिल जाता है, माइक का मिल जाता है, हेडफोन का मिल जाता है। ये दोस्तों इसका इंटरफेस है, मतलब सामने से देखने का है, और ये आहूजा की इसमें एक सील लगी हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये ओके टेस्टेड है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आहूजा लिखा हुआ है। चलिए बैक साइड दिखाते हैं। यदि हम बैक साइड की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 12 वोल्ट DC लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके बाद इसमें AC का ऑप्शन साथ में दिया हुआ है, यहाँ पर लाइन आउट मिल जाएगा और लाइन इन मिल जाएगा, मतलब दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देख सकते हैं 200 MB का लाइन इन है और 400 MB का लाइन आउट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। और ये एक छोटा सा स्पीकर लिखा हुआ है, यहाँ पर कोटेशन लिखा हुआ है, मॉडल नंबर लिखा है CTR 100, और यहाँ पर मॉडल का नंबर भी लिखा हुआ है, देखा कि आप देख सकते हैं। चलिए आप इसको सामने से दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको करते हैं सेटअप, मतलब लाइट में कनेक्ट करते हैं, और इसमें कोई कैसेट प्ले करते हैं, और आपको इसकी आवाज़ भी सुनाते हैं। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं ये रहा ऑन, और ये मैंने कर दिया है ऑन, यहाँ पर LED आ गई है और आवाज़ भी इसमें आने लगी है स्पीकर में। और चलिए हम इस कैसेट को बाहर निकालते हैं, इसके जो मैकेनिज्म है, इसमें रिकॉर्डिंग हेड भी लगा हुआ है और एक दूसरा हेड भी लगा हुआ है। चलिए कोई कैसेट लगाते हैं और गाना सुनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक कैसेट इसमें लगाने जा रहे हैं, और आपको मैं दोनों सिस्टम बताऊंगा, इसमें इसके स्पीकर की आवाज़ भी सुनाऊंगा और अपने एम्पलीफायर की आवाज़ भी सुनाऊंगा। और एम्पलीफायर से कनेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया है आपको दिखाता हूं मैं, एक बार आप देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने जो अपना लाइन आउट है इसका, आपने उसमें दे दिया है एम्पलीफायर, देख सकते हैं ये दोनों लीड लगा ली हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक कैसेट लगाने जा रहे हैं और आपको इसकी आवाज़ भी सुनाते हैं। ये कैसेट लगा दी फाइनल मैंने, ये देख सकते हैं कैसेट लग गई है, और अब ये इसमें प्ले बटन दिया है, प्ले करता हूँ मैं, प्ले कर दिया है, यहाँ पर लेवल आने लगे हैं। चलिए उधर से आवाज़ बढ़ाता हूँ,
तो अभी आपने आवाज़ सुनी दोस्तों, इसकी लाइन आउट मैंने अपने एम्पलीफायर में दी थी। अभी आपको इसके स्पीकर की आवाज़ सुनाता हूँ, जो पीछे स्पीकर है उसको सुनने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है मोनो स्पीकर, तो इसको हम दबाएंगे, ठीक है। तो आपने आवाज़ सुनी, इसके स्पीकर की भी सुनी और इसके लाइन आउट की सुनी। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि ये जो रिकॉर्डर है ये रिकॉर्डिंग कैसे करता है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि रिकॉर्डिंग भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो रिकॉर्डिंग भी करना चाहिए, ये रिकॉर्डिंग लेवल दिए हुए हैं। अब रिकॉर्डिंग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैकेनिज्म निकाल लेते हैं और हम ये एक ब्लैंक कैसेट इसमें लगा रहे हैं, ठीक है। ब्लैंक कैसेट मैंने इसमें लगा दी है, ये वाली देख लेना। और मेरे जो एम्पलीफायर था ना, उसकी मैंने लाइन इन इसमें दे दी है, ठीक है दोस्तों, पीछे से लाइन इन दे दी है। अभी मैं ये दो ऑप्शन है रिकॉर्डिंग और प्ले, ये दोनों एक साथ प्ले करूँगा, तो आप देख लेना, ये देख लीजिए मैंने एक साथ प्ले कर दिए। अभी थोड़ी देर खाली रील है, वो निकल जाने दो, इसके बाद मैं इसको पॉज करूँगा, पॉज करने के बाद फिर हम देखेंगे, ठीक है। तो फाइनली मैंने ये कर दिया है पॉज, ये देख सकते हैं पॉज कर दिया है। रिकॉर्डिंग लेवल मैंने फाइनली सेट कर दिए हैं, स्टूडियो पर चल रहा है ये, और नॉइस फिल्टर मैंने लगा लिया है और बाकायदा दोनों लेवल सेट हैं, माइक भी सही है। चलिए अब हम ये जो कैसेट है ना, ये वाली अपन इसमें लगा रहे हैं, मतलब मेरे इस एम्पलीफायर में लगा रहा हूँ, ठीक है। पहले आपको आवाज़ सुनाता हूँ, ठीक है, देख लीजिए आवाज़ आ रही है। स्पीकर बंद कर दूँ, इसमें सुनते हैं आवाज़। तो अभी आपने सुना, ये थोड़ी देर हम इसको इस गाने को इस कैसेट में डालेंगे, ठीक है। तो आवाज़ मैं इसकी कर देता हूँ बंद और प्ले कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है मैंने, ये देख सकते हैं। फाइनली दोस्तों रिकॉर्डिंग इसमें चल रही है, आप देख सकते हैं, ये कैसेट भी घूम रही है आप सामने बिल्कुल देख सकते हैं, और रिकॉर्डिंग ऑन है, मतलब ये ब्लैंक कैसेट में रिकॉर्डिंग हो रही है। अभी कैसी रिकॉर्डिंग हुई है वो भी आपको मैं अभी आज थोड़ी देर बाद जब कंप्लीट हो जाएगी तो प्ले करके दिखाऊंगा। चलिए आवाज़ खोल देता हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैंने कर दिया है स्टॉप। अब ये रिकॉर्डिंग कैसी हुई है उसके लिए हमको इसको करना पड़ेगा रिवाइंड, ठीक है। ये कर देता हूँ मैं रिमाइंड और रिवर्स हो रहा है ये, रिवर्स के बाद हम प्ले करते हैं इसको, ठीक है। प्ले के बाद हम पहले इसी में चलाते हैं ये कैसेट, उसके बाद उस कैसेट प्लेयर में चलाएंगे। तो ये कर दिया मैंने प्ले, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद जब जैसे रील निकल जाएगी खाली वाली, फिर इसके बाद इसकी आवाज़ आना स्टार्ट होगी, आप खुद चेक कर लेना रिकॉर्डिंग कैसी हुई है, ठीक है। अभी तो थोड़ी देर टाइम लगता है, तो फाइनली देख सकते हैं आवाज़ आने लगी। दोस्तों मैंने लेवल बकायदा कम रखे थे इसलिए कम आ रहे हैं। चलिए इसको हम इधर से बाहर निकाल देते हैं, ये रही कैसेट। अभी इसको मैं लगाने वाला हूँ उस वाले प्लेयर में और आपको आवाज़ सुनाता हूँ, ठीक है। ये लगा दी मैंने उस प्लेयर में और अब हम सुनते हैं आवाज़। तो फाइनली दोस्तों आपने देखा, बहुत ही प्यारी रिकॉर्डिंग हुई है, मतलब मैं उम्मीद कर रहा था उससे भी अच्छी हुई है, क्योंकि सेट बिल्कुल ब्रांड न्यू सील पैक है, रिकॉर्डिंग भी बहुत अच्छी कर रहा है। तो आपको रिकॉर्डिंग करना है, आपके मोबाइल में कोई चीज़ है उसको कैसेट में भरना है, तो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको लाइन इन भी मिल जाता है, लाइन आउट भी मिल सकता है। चलिए प्ले करते हैं। ओ लचगले नाज़नीना,
फाइनली दोस्तों सेट बहुत अच्छा है। तो दोस्तों फाइनली सेट बहुत अच्छा है, आहूजा की ब्रांडिंग मिल जाती है, कैसेट रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, कैसेट प्ले भी कर सकते हैं, लाइन इन लाइन आउट सभी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती है। मतलब छोटा है, इसमें कंप्लीट पैक आपको मिल जाता है। लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप पर संपर्क कर लेना, एक ही पीस है, बाकी सोल्ड आउट बहुत जल्दी हो जाएगा। और दोस्तों पहले आओ पहले पाओ के तहत ये कैसेट प्लेयर दिया जाएगा, जिसको भी पसंद है मुझे जल्दी कॉन्टैक्ट कर लेना। चलिए मिलते हैं किसी अगले ऐसे ही वीडियो में, जब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और 90s की पुरानी भूली बिसरी यादें ताज़ा करते रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।